आज हम टॉपिक आपके साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं इस बीजी और टैली पेन ड्राइव कोर्स के अंदर। आज हमारा एक टॉपिक स्टार्ट होगा जिसका नाम है जीएसटी। आज हम आपको पहले जीएसटी का बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, जिससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी क्या है, कैसे काम करना है, और फिर हम आपके साथ टैली और बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर दोनों ही टॉपिक में इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज अपने साथ हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने सबसे पहले जीएसटी के बारे में जानना है, जीएसटी है क्या। मैं आज आपको जीएसटी में सेक्शन वाइज तो नहीं बताऊंगा कि आप सेक्शन वन या सेक्शन टू, उसको अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी एक सेपरेट जीएसटी पेन ड्राइव क्लास की हमारे पास सीडी है, आप वो हमसे बाय कर सकते हैं और उसमें आपको हर एक सेक्शन के बारे में और रूल के बारे में डिटेल से समझाया गया है। लेकिन हमारा ये बेसिकली जो टॉपिक है वो जीएसटी और बीजी और टैली की पेन ड्राइव क्लासेस के लिए हमने इसको रिकॉर्ड करा है, और जितना आपको नॉलेज चाहिए बेसिक बीजी और टैली में जीएसटी स्टार्ट करने के लिए, वो हम आपको इस सेशन में और आने वाले जीएसटी की क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जीएसटी है क्या, सबसे पहले हमें ये जानना है। जैसे कि इसका नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। जीएसटी का जो पूरा नाम है उसका नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। आपको पता होगा जीएसटी 1 जुलाई 2017 को इंडिया के अंदर लॉन्च हुआ था। जीएसटी कब एप्लीकेबल हुआ था, 1 जुलाई 2017 को इंडिया में एप्लीकेबल हुआ था। क्या सर इंडिया में उससे पहले भी टैक्स चलते थे? हाँ जी, उससे पहले भी इंडिया में टैक्स लगते थे, जैसे वैट लगता था, जैसे एक्साइज लगता था, और साथ साथ आपके बहुत सारे ऐसे टैक्स थे जिससे गवर्नमेंट परेशान थी। फिर गवर्नमेंट ने फाइनली 1 जुलाई 2017 में एक टैक्स पास करा जिसका नाम रखा गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। याद रखना, जिसके आगे एक्ट जुड़ जाता है इसका और ईयर मेंशन होता है, इसका मतलब वो उस साल एप्लीकेबल हुआ था। अगर आप लोगों से कोई इसकी फुल फॉर्म पूछेगा तो आप उसे बताएंगे सर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, नॉट सर्विस, क्योंकि इसके अंदर एस लगा हुआ, जैसे गुड्स में ऐसे वैसे ही सर्विस के अंदर भी ऐसे। तो प्लीज इस डेफिनेशन को ध्यान से बोलेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। इतना समझ आ गया। इसको लाने का पर्पस क्या था, इस चीज को हमें समझना है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ टैक्स, टैक्स क्या है। आप इस पिक्चर में काफी चीजें देख सकते हैं। पिक्चर में पहली पिक्चर हमें बताती है कि टैक्स से हमें इनकम होती है, हमें इन द सेंस गवर्नमेंट को टैक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। दूसरा, लेकिन अगर हम लोगों को देखें तो टैक्स लोगों के लिए एक बर्डन है जिसके नीचे लोग दब रहे हैं। टैक्स क्या है, एक बर्डन दूसरे पर शिफ्ट करता है। और तीसरा, टैक्स से एक बंदे की इनकम कम हो जाती है लेकिन गवर्नमेंट की इनकम बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम सिंपल सी बात करें या हम सिंपल सी डेफिनेशन जाने टैक्स क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं, आप जो बैठे हुए वहां पर, मैं आप लोगों से पूछूं कि टैक्स क्या है, टैक्स की डेफिनेशन क्या है, तो आप बहुत सारी बातें कहोगे सर टैक्स वो है जो गवर्नमेंट हमसे लेती है, फिर हमें बेनिफिट देती है सर, जैसे हॉस्पिटल के रूप में, जैसे कॉलेज के रूप में, जैसे अदर बेनिफिट। बिल्कुल सही बात है कि आप जो गवर्नमेंट को टैक्स देते हो, गवर्नमेंट उन पैसों से ही आपको बेनिफिट देती है। गवर्नमेंट अपना कोई बिजनेस नहीं करती, वो आप लोगों पर डिपेंड है। अगर आप गवर्नमेंट को टैक्स ईमानदारी से दोगे तो गवर्नमेंट आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, चाहे वो किसी चीज की भी फैसिलिटी क्यों ना। क्लियर? लेकिन अब मैं सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, क्या आपने टैक्स दिया है? आप जो बैठे हैं सामने, क्या आपने टैक्स दिया है कभी? सर मैं तो स्टूडेंट हूं, मैं कहाँ से टैक्स दूंगा? सर मैंने तो 12th पास करी, सर मैं बीकॉम में, मेरी जॉब नहीं लगी है। आप बहुत सारी बातें बोलेंगे लेकिन इनफैक्ट आपने सुबह से लेकर शाम और शाम से लेकर सुबह
आपने 24 आवर्स टैक्स पे करा है। आप पानी की बोतल लाते हैं ना विस्लेरी की, उस पर भी गवर्नमेंट टैक्स ले लेती है। वो छोटा बच्चा जिसे टैक्स की समझ नहीं है, वो दुकान पर जाके एक टॉफी खरीदता है, इसका मतलब वो उस पर भी टैक्स दे के आता है। कोई बंदा मेडिकल ट्रीटमेंट लेता है, उसे चाहे कैंसर, वो उस पर भी टैक्स गवर्नमेंट को देता है। तो गवर्नमेंट हमसे टैक्स डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में कहीं ना कहीं से ले लेती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि गवर्नमेंट हमसे कब लेती है। इसलिए गवर्नमेंट हमसे डायरेक्ट ना चार्ज करके इनडायरेक्ट टैक्स में ले लेती है। तो आज के बाद आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपसे कोई पूछे ना कि टैक्स गवर्नमेंट लेती है, तो आप कहना सर बिल्कुल लेती है सर, सुबह से लेकर शाम और शाम से लेकर सुबह और फिर सुबह से लेकर शाम, ऐसे ही 24 आवर्स हमसे हर चीज का टैक्स ले रहा है। यहां आप जो बैठे हैं वहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट को देते हैं, इस पर भी टैक्स जाता है। तो गवर्नमेंट हमें किसी चीज पर माफी नहीं देती टैक्स के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट का वो सोर्स ऑफ इनकम है और गवर्नमेंट उसे छोड़ेगी नहीं। लेकिन सर अगर हमसे कोई डेफिनेशन मांगे, सर व्हाट इज द टैक्स, क्या है टैक्स, तो आप उसे क्या बोलोगे सर? आप कहोगे सर टैक्स वो है जो गवर्नमेंट हमसे लेती है और फिर हमें बेनिफिट देती है। लेकिन ये जनरल लैंग्वेज की डेफिनेशन होगी, लेकिन अगर हमें बुक की डेफिनेशन चाहिए या एक परफेक्ट डेफिनेशन चाहिए तो हम इसे ले सकते हैं, जिसमें लिखा व्हाट इज द टैक्स। टैक्स क्या है, क्या लिखा है, टैक्स मे बी डिफाइंड एज अ पेकुनरी बर्डन। क्या पेकुनरी बर्डन का मतलब होता है समथिंग इन मनी, जो चीज मनी में होती है ना उसे टैक्स कहते हैं। लेड अपॉन इंडिविजुअल और प्रॉपर्टी ओनर टू सपोर्ट द गवर्नमेंट अ पेमेंट एग्जेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। अ टैक्स इज नॉट अ वॉलेंट्री पेमेंट और डोनेशन बट एन अ इनफोर्स कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट प्रेसिडेंट ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। इसके कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, वो क्या है, पेकुनरी बर्डन, एक समथिंग मनी में होता है। दूसरी बात यहाँ लिखी है कि ये मेरी वॉलेंट्री पेमेंट या मेरा कोई डोनेशन नहीं है, इसे मैं अपनी मर्जी से नहीं देता, गवर्नमेंट मेरे ऊपर इनफोर्स कंट्रीब्यूशन करती है, मुझसे जबरदस्ती लेती है, मेरी इच्छा नहीं है, वॉलेंट्री माना होता इच्छा से, मेरी इच्छा नहीं है लेकिन गवर्नमेंट फिर भी मुझसे टैक्स ले रही है, बताओ आप मुझे, तो ये कहलाता है वॉलेंट्री पेमेंट नहीं है, ये इन्फोर्समेंट कंट्रीब्यूशन है, आपको देना ही पड़ेगा। क्लियर? लेकिन ये थोड़ी टेक्निकल हो गई, थोड़ी डिफिकल्ट हो गई, लेकिन अगर हम सिंपल वर्ड में पढ़े, इन अ सिंपल वर्ड टैक्स इज नथिंग, टैक्स कुछ नहीं है बट मनी दैट पीपल हैव टू पे टू द गवर्नमेंट विच इज यूज टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विस। कह रहा है टैक्स वो है जो गवर्नमेंट हमसे लेती है और फिर हमें ही बेनिफिट देती है, इसे हम टैक्स कहते हैं। तो अगर आपसे कोई डेफिनेशन मांगे और आपको परफेक्ट मार्क्स चाहिए तो आप ऊपर वाले डेफिनेशन ले दो, और अगर आपको किसी को समझाना है तो आप नीचे वाले डेफिनेशन इजी तरीके से समझा सकते हैं। ना सिंपल वर्ड टैक्स इज नथिंग बट मनी दैट पीपल हैव टू पे टू द गवर्नमेंट विच इज यूज टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विस। इसके बाद आगे आए तो आप एक पिक्चर देखेंगे, इस पिक्चर में मैंने आपके साथ बहुत सारी चीजें क्लियर करी है। इस पिक्चर में ऊपर वैसे तो ये इनकम टैक्स की पिक्चर, लेकिन समझाने के लिए जरूरी है। व्हाट इज द इनकम टैक्स लिखा है, इसमें एक बंदा है जिसका नाम टैक्स पेयर है, जो टैक्स को देता है उसे या तो टैक्स पेयर बोलते हैं या उसे टैक्स पेयर बोलते हैं। ये बंदा टैक्स पे करता है, सबसे पहले ये टैक्स की पेमेंट करेगा गवर्नमेंट को। अगर मुझे गवर्नमेंट की कोई भी रिटर्न भरनी है, चाहे वो इनकम टैक्स रिटर्न हो चाहे वो जीएसटी की कोई भी रिटर्न हो, अगर मैं वो रिटर्न भरना चाहता हूँ तो सबसे पहले मुझे टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी। मैंने उस टैक्स की पेमेंट करी, टैक्स की पेमेंट हो जाने के बाद मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपनी रिटर्न भरी। जब मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपनी रिटर्न भरी तो गवर्नमेंट को टैक्स की कलेक्शन हुई, और जब गवर्नमेंट को टैक्स की कलेक्शन हुई तो पैसा चला गया सारा मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू के पास। जब पैसा मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू के पास आया तो उसने डिसाइड करा कि इन पैसों का कितना हिस्सा फ्लाईओवर में लगाना है, कितना पैसा हॉस्पिटल में लगाना है,
कितना पैसा स्कूल में लगाना है, और इन सभी का बेनिफिट वो किसको मिलेगा, टैक्स पेयर को मिलेगा। किसको बेनिफिट मिलेगा, टैक्स पेयर को मिलेगा। ये बात याद रखना कि गवर्नमेंट हमसे पैसा तो लेती है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप में उसका बेनिफिट हमें ही मिलता है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते, सबसे पहले यहाँ लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू। टैक्स कितने तरह के होते हैं? टैक्स दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स में आपका इनकम टैक्स आता है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा टीडीएस, मतलब टीडीएस इज अ पार्ट ऑफ द इनकम टैक्स। कभी भी टीडीएस को आप एक अलग टैक्स नहीं बोलोगे, वो एक पार्ट है इनकम टैक्स का। टीडीएस पार्ट है इनकम टैक्स का, वो कोई सेपरेट टैक्स नहीं है। दूसरा हमारे पास आता है इनडायरेक्ट टैक्स। क्या आता है हमारे पास? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में आता है जीएसटी और कस्टम। क्या आता है? इनडायरेक्ट टैक्स में दो टैक्स आते हैं, एक आता है जीएसटी और दूसरा आता है कस्टम। क्लियर? तो रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू के पास दो इनकम सोर्स होते हैं, पहला होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आता है इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में आता है जीएसटी और प्लस कस्टम ड्यूटी। सर ये कस्टम टैक्स क्या होता है, कस्टम ड्यूटी क्या होती है? अगर तुम इंडिया से बाहर किसी देश में जाते हो और वहां से कोई चीज इंडिया में खरीद के लाते हो, तो उस पर एक टैक्स लगता है, जिसे बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। सर गवर्नमेंट क्यों लगाती है कस्टम ड्यूटी? अरे कॉमन सी बात है, ये मैं माउस खरीद के लाया हूं, ये माउस की कीमत 200 रुपए है, लेकिन अगर यही माउस मैं चाइना से खरीदता तो ये माउस मुझे 100 रुपए का पड़ता। बताओ यही सेम माउस चाइना से इंडिया में 100 रुपए का आ रहा है, लेकिन जो इंडिया में ये डेवलप हो रहा है तो ये 200 रुपए में। तो आप लोग बताओ, क्या आप इंडिया को गिरने देने चाहते हो? क्या इंडिया की इकोनॉमिक या इंडिया के बिजनेस में नहीं कमाए? तो गवर्नमेंट ने कहा बिल्कुल वो लोग भी कमाए, और हम जो चाइना से प्रोडक्ट इंडिया में लाएंगे, जो हम प्रोडक्ट चाइना से इंडिया में लाएंगे, उस पर हम इतना टैक्स लगा देंगे जिसके लिए क्वांटिटी इंडिया की क्वांटिटी और चाइना की क्वांटिटी थोड़ी मिलती जुलती हो जाए, जिससे इंडियन मार्केट भी खराब ना हो। ठीक है, दूसरा, कई बार आपने मूवी में स्मगलिंग वर्ड सुना होगा। क्या सुना होगा आपने? स्मगलिंग। स्मगलिंग वर्ड तब आता है कि अगर तुम इंडिया से बाहर कोई सामान इंडिया में लाते हो, इंडिया से बाहर का, अगर तुम लोग इंडिया से बाहर का कोई प्रोडक्ट इंडिया में लाते हो और अगर तुम उस पर टैक्स नहीं देते, अगर तुम उस पर टैक्स नहीं देते तो उसे स्मगलिंग कहते हैं। जो मूवी में स्मगलिंग चलती है ना, जो बोलते हैं फिल्मों में कि सर ये तो स्मगलिंग कर रहा है, स्मगलिंग का मतलब होता है कि अगर तुम किसी प्रोडक्ट को इंडिया में लाते हो और उसे बिना टैक्स दिए गवर्नमेंट को पे करते हो, तो वो स्मगलिंग कहलाती है। वो क्या कहलाती है? स्मगलिंग। अब आता है टैक्सेशन इन इंडिया। जैसे कि हमने बताया दे आर टू टाइप ऑफ टैक्सेस, फर्स्ट इज डायरेक्ट टैक्स, सेकंड इज इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर? डायरेक्ट टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं आप लोग के साथ। सबसे पहले आता है मीनिंग का डिफरेंस कि डायरेक्ट टैक्स है क्या, इनडायरेक्ट टैक्स है क्या। लिखा है डायरेक्ट टैक्सेस आर द टैक्स इन विच द इंसिडेंट एंड इम्पैक्ट फॉल्स ऑन द सेम पर्सन एसेसी। कह रहा है डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसका इम्पैक्ट सेम एसेसी पर पड़ता है। क्या लिखा है? डायरेक्ट टैक्सेस आर द टैक्सेस इन विच द इंसिडेंट एंड इम्पैक्ट फॉल्स ऑन द सेम पर्सन और एसेसी। जिसका बर्डन उसी पर पड़ता है, उसी को ही पे करना होता है। जैसे मैं साल में 2 लाख रुपए कमाता हूं या मैं 3 लाख रुपए कमाता हूं साल में, तो ये मेरी इनकम है, तो टैक्स मुझे देना है या आप लोग दोगे मेरी इनकम का टैक्स? बताएं मुझे, मैं ही दूंगा ना। तो इसका इंसिडेंट किस पे पड़ा? मेरे पर। इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ा? मेरे पर। टैक्स कौन बियर करूंगा? मैं। तो डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसका बर्डन भी उसी पर पड़े और उसकी टैक्स की पेमेंट भी
वो खुद करे तो वो क्या कहलाता है आपका, डायरेक्ट टैक्स। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स इसका अपोजिट है। क्या लिखा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर सच टाइप ऑफ टैक्सेस वेयर इंसिडेंट एंड इम्पैक्ट फॉल्स ऑन टू डिफरेंट पर्सन। हुआ क्या, आप मेरे पास आए, आपने कहा सर ये फोन चाहिए, मैंने कहा ले जाओ 10,000 रुपए का फोन है, 18% के हिसाब से आपको 1,800 रुपए टैक्स के देने पड़ेंगे, टोटल ये आपको 11,800 रुपए का पड़ेगा। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, लीजिए सर 11,800। उसने मुझे 11,800 गिन के दिए, मैंने कहा सर मुझे आप 10,000 रुपए माल के दीजिए, 1,800 रुपए तुम गवर्नमेंट को दे देना। उसने कहा सर मैं गवर्नमेंट को नहीं जानता, गवर्नमेंट किस तरीके से टैक्स लेती है। तो उस बंदे ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर डाल दी, उस बंदे ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर डाल दी और मुझसे कहा कि ये लो पैसा और मुझे सामान दे दो। अब उस बंदे का टैक्स मुझे भरना पड़ा ना, इम्पैक्ट किस पे पड़ा, उस बंदे पर जिसने मोबाइल लिया, लेकिन टैक्स को भर कौन रहा है, मैं। तो यहां लिखा है इनडायरेक्ट टैक्सेस आर सच टाइप ऑफ टैक्स वेयर इंसिडेंट एंड इम्पैक्ट फॉल्स ऑन टू डिफरेंट पर्सन। इंसिडेंट उस पर पड़ा, इम्पैक्ट मुझे करना पड़ रहा है, मुझे गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ रहा है, ये मीनिंग था इसका। मतलब इनडायरेक्ट में लोग अपना बर्डन शिफ्ट कर देते, अरे आपका काम है आप खुद करो, नहीं सर ये लो पैसा और तुम जमा करा दो। जबकि डायरेक्ट टैक्स में अपोजिट था, बर्डन भी आपका और गवर्नमेंट को टैक्स भी आपको जमा कराना पड़ेगा। अब बात करें नेचर ऑफ टैक्स की। अगर हम बात करें नेचर ऑफ टैक्स की, डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर और जबकि इनडायरेक्ट टैक्स इज रेग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है ये छोटे बड़े का भेद करेगा, आप गरीब आप मत टैक्स देना, आप अमीर आप टैक्स देना, मैं गरीब मैं टैक्स नहीं दूंगा, आप जो बैठे हैं वहां पर आप अमीर हैं आप टैक्स देंगे, क्या करेंगे आप टैक्स देंगे क्योंकि आप अमीर, मैं गरीब मैं टैक्स नहीं दूंगा, इसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव नेचर। जबकि एक होता है रेग्रेसिव नेचर, एक होता है रेग्रेसिव नेचर का, ये कोई भेदभाव नहीं करता, आप गरीब मैं गरीब मुझे भी टैक्स देना है आपको भी टैक्स देना है। एक बीरू भाई अंबानी या कोई भी अंबानी कुछ भी सामान खरीदता है तो उसे टैक्स देना पड़ेगा, उसे टैक्स देना पड़ेगा। और वही एक रिक्शे वाला एक सामान खरीदेगा उसको भी सेम टैक्स देना पड़ेगा जो एक अमीर आदमी खरीदेगा। तो इनडायरेक्ट कहता है कि मैं भेदभाव नहीं करता, चाहे आप माल खरीदो या फिर कोई दूसरा पर्सन माल खरीदेगा, हम तो टैक्स लेंगे भैया, बिल्कुल लेंगे। क्लियर, ये नेचर होता है। तीसरा आता है लेवी एंड कलेक्शन। तीसरा आता है लेवी एंड कलेक्शन। लेवी मतलब होता है लगाना और कलेक्शन मतलब होता है चार्ज करना। लेवी एंड कलेक्टेड फ्रॉम एसेसी, लगता भी उस पर है उसी से ही कलेक्ट किया जाता है। जबकि लेविड एंड कलेक्टेड फ्रॉम द कंज्यूमर बट पेड डिपॉजिट टू द गवर्नमेंट बाय एसएससी, लगता आपके ऊपर है लेकिन जमा कौन कराता है, एसएससी कराता है। जैसे आपने मुझसे फोन खरीदा, आपने मुझे टैक्स का पैसा दिया, लगा आप पर लेकिन जमा किसने कराया, एसएससी ने। क्लियर है। चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, शिफ्टिंग ऑफ बर्डन। क्या लिखा है, शिफ्टिंग ऑफ बर्डन। टैक्स बर्डन इज डायरेक्टली बोर्न बाय द एसएससी। करेक्ट, टैक्स बर्डन किससे बोर्न होता है, एसएससी से बोर्न होता है, हिंस कैन नॉट बी शिफ्टेड। मैंने जितना कमाया मुझे उस पर टैक्स देना है, तो बर्डन भी मेरा है और मुझे ही पे करना है, तो बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, मैं अपने बर्डन को किसी दूसरे के ऊपर नहीं छोड़ सकता। जबकि इनडायरेक्ट कहता है टैक्स बर्डन इज शिफ्टेड टू द एसएससी, हिंस द बर्डन कैन बी शिफ्टेड। उस बंदे की लाइबिलिटीज थी 1,800 रुपए गवर्नमेंट को टैक्स जमाना जो फोन खरीद के गया था, लेकिन उसने अपना बर्डन मेरे ऊपर छोड़ दिया। तो इसको क्या कह सकते हैं कि इसमें हम बर्डन दूसरे को पास ऑन कर सकते हैं। अब हम पांचवा डिफरेंस पढ़ लेते हैं। अगर हम पांचवा डिफरेंस पढ़ें तो टैक्स कलेक्शन और टैक्सेबल इवेंट। लिखा है कि टैक्स कब कलेक्ट करते हैं, डायरेक्ट टैक्स में लिखा है टैक्स इज कलेक्टेड आफ्टर इनकम फॉर अ ईयर इज अर्न और वैल्यूएशन ऑफ असेट डिटरमाइन ऑन वैल्यूएशन डेट।
कह रहा है कि डायरेक्ट टैक्स में एक इवेंट के बाद खरीदते हैं, टैक्स लगाते हैं। जैसे अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2020 और 2021 चल रहा है, इस साल में जितना भी कमाऊं फाइनेंशियल ईयर 20 और 21 में, गवर्नमेंट मुझसे 1 रुपए का भी टैक्स नहीं लेगी। मैं जितना मर्जी कमाऊं गवर्नमेंट मुझसे 1 रुपए का टैक्स नहीं लेगी। लेकिन जैसे ही फाइनेंशियल ईयर 21-22 आएगा, गवर्नमेंट कहेगी लाओ तुमने 20-21 में कितना कमाया, तो मुझे उनको टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर है? तो गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स में टैक्स कब चार्ज करती है? एक इवेंट के बाद, जैसे ईयर खत्म हुआ तब टैक्स चार्ज कर रही है। वरना अगर गवर्नमेंट हर दिन टैक्स लेने लगे तो पागल हो जाएगी। हर घर के बाहर एक बंदा खड़ा होगा, तुम रात को घर आओगे तुमसे हिसाब लेगा कितना कमाया कितना खर्च किया, लाओ टैक्स दो। ऐसा करना डिफिकल्टी है ना। तो गवर्नमेंट ने साफ कहा कि आप जब भी ईयर क्लोज होगा उसके बाद तुम्हें टैक्स देना है लास्ट ईयर का। अब और दूसरा, वैल्यूएशन ऑफ असेट्स, जब तुम्हारी असेट्स की वैल्यूएशन होगी तब तुम्हें असेट्स पर टैक्स देना है। क्लियर है? जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में इसका अपोजिट है, एट द टाइम ऑफ सेल परचेज और गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विस। कह रहा है कि एट द टाइम ऑफ सेल परचेज, कह रहा है कि तुम जब सेल और परचेज करोगे या फिर गुड्स या सर्विस की सर्विस सौंपोगे, इसे लिखा एट द टाइम ऑफ सेल और परचेज गुड्स। जब तुम गुड्स खरीदे बेचोगे तभी टैक्स लग जाएगा, लेकिन जब तुम किसी को सर्विस रेंडर करोगे, रेंडर मतलब होता है सौंपना, जैसे ही तुम किसी को सर्विस सौंपोगे तुम्हारे ऊपर उसी वक्त टैक्स लग जाएगा, तुम्हारे ऊपर उसी वक्त टैक्स लग जाएगा। इसमें हम ईयर का वेट नहीं करते कि ईयर क्लोज हो जाएगा फिर टैक्स लगे, नहीं, तुम जिस समय कोई प्रोडक्ट बेचोगे तुमसे उस समय ही गवर्नमेंट टैक्स चार्ज कर लेगी। इतना समझ आ गया? इसके बाद अगर हम बात करें रेवेन्यू ऑफ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, क्या बात करता है रेवेन्यू ऑफ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स से गवर्नमेंट को 20% की इनकम होती है और इनडायरेक्ट टैक्स से 80% की इनकम होती है। अगर गवर्नमेंट 100 रुपए कमाती है ना, तो उसमें 20 रुपए डायरेक्ट टैक्स का होता है और 80 रुपए इनडायरेक्ट टैक्स का होता है। लेकिन अगर हम कॉस्ट की बात करें, अगर मैं कोई चीज कमाऊंगा तो कुछ ना कुछ तो लगेगा ना, तो वैसे ही कह रहा है कि अगर, क्या बोल रहा है कि अगर मैं कोई कॉस्ट कमाता हूं, ऐसे कमाने के लिए डायरेक्ट टैक्स को कमाने के लिए मुझे 24%, मुझे 24% खर्चा करना पड़ता है। मैं 20 रुपए कमाता हूं लेकिन मुझे 24 रुपए का खर्चा करना पड़ता है, इससे गवर्नमेंट को लॉस होता है। क्या होता है? इससे गवर्नमेंट को हमेशा लॉस होता है 4% का, एज अ अज्यूम किया। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में इसका अपोजिट होता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में इसका अपोजिट होता है। गवर्नमेंट कहती है कि तुम 80 रुपए कमाते हो, आपको 20 रुपए का खर्चा आता है, तो आपकी इनकम कितनी हो जाती है? 60 रुपए की। कितने की इनकम होती है आपकी? 60 रुपए की इनकम होती है। इसलिए डायरेक्ट टैक्स अच्छा है, इनडायरेक्ट टैक्स अच्छा है, डायरेक्ट टैक्स है। तो सर, जब गवर्नमेंट को नुकसान होता है तो गवर्नमेंट से बंद क्यों निकल देती? अगर किसी को किसी चीज से नुकसान होगा तो क्यों से बंद कर देना चाहिए था? लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती। गवर्नमेंट का मेन पर्पस है अपने लोगों को बेनिफिट देना। ऐसा तो तुम्हारे साथ कभी नहीं होगा, तुम किसी बस में जा रहे हो, अगर पैसेंजर नहीं हो तो तुम्हें उतार देते हैं क्या? आप उतर जाओ, जब पैसेंजर आएंगे तब बैठना, ऐसे कर देंगे आप लोगों के साथ वो? नहीं। आप किसी ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन खाली है तो क्या ट्रेन नहीं चलती? नहीं चलती, चलती है ना। तो इसलिए गवर्नमेंट इसको इसलिए डिलीट नहीं कर रही, वरना तो होगा क्या, लोग परेशान हो जाएंगे, लोग परेशान हो जाएंगे, इसलिए गवर्नमेंट से डिलीट नहीं करती। दूसरा, अगर आप जीएसटी कर रहे हैं तो उस समय आपको कुछ बातें याद रखनी। सर, क्या बातें याद रखनी? कि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसकी फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट है 2017 है, ये 1 जुलाई 2017 को एप्लीकेबल हुआ था। इसके बाद इसका जीएसटी एक्ट 2017 है, ठीक है। साथ साथ आपको हमेशा अपडेटेड रहना है,
जिससे जीएसटी की अमेंडमेंट आती है। जैसे इस साल जीएसटी का अमेंडमेंट आया, जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया। गवर्नमेंट जब कोई लॉ पास करती है तो पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं होता, कहीं ना कहीं उस लॉ में कमी रह जाती है। उस कमी को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ईयर टू ईयर अमेंडमेंट करती है, ताकि लोगों को जो गलती करी उनको सुधार सके। इसलिए गवर्नमेंट क्या लाती है, जीएसटी अमेंडमेंट लाती है। साथ साथ जीएसटी हमेशा सर्कुलर पास करती है, हमेशा सर्कुलर पास होता है टाइम टू टाइम कि आपको अपने डिपार्टमेंट को किस तरीके से काम करवाना है। पीछे एक सर्कुलर गवर्नमेंट ने पास करा और कहा कि अब कोई बंदा या कोई टीचर सीए की एग्जाम की कॉपी बस या ट्रेन में चेक करता पकड़ा गया तो उसको 10 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये था कि गवर्नमेंट ने अपने ऑफिसरों को, अपने पर्सनल को बताया कि तुम लोगों को काम ऐसे करना है, तुम बसों में, तुम ट्रेनों में अपनी कॉपी चेक कर लो, क्या ये सही है आप लोगों के लिए? नहीं ना, तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन निकालती है। अब देखो, कई बार रेट घट जाते हैं, कई बार रेट बढ़ जाते हैं, कई बार जीएसटी 3B की माफी मिल जाती है, कभी माफी नहीं मिलती, कभी एनुअल रिटर्न में, कभी कुछ, सब मिलता रहता है, लेकिन वो नोटिफिकेशन के थ्रू। वो सब किसके थ्रू होता है, नोटिफिकेशन के थ्रू होता है। क्लियर है? इसके बाद आती है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है किसी वर्ड को मैं कुछ और समझ रहा हूं और आप लोग कुछ और समझ रहे हो। जैसे मैंने कहा, अगर आप में से कोई मेरे पास पढ़ने आता है, अगर वो हैंडीक्राफ्ट होगा तो मैं उससे फीस आधी लूंगा। मैंने कहा कि अगर मेरे पास कोई स्टूडेंट पढ़ने आता है तो मैं उससे फीस आधी लूंगा। अगर मेरी फीस 10,000 रुपए की है तो मैं उससे 5,000 चार्ज करूंगा। आप में से एक बंदा मेरे पास आया, उसने कहा सर मैं हैंडीक्राफ्ट हूँ। मैंने देखा वो बिल्कुल तंदुरुस्त था। मैंने कहा सर आप कहाँ से हैंडीक्राफ्ट? उसने कहा देखो सर, मेरी ये उंगली, इस उंगली की ये हल्का सा कटा हुआ और मेरे पास इसका सर्टिफिकेट भी। बताओ क्या मैंने उसको हैंडीक्राफ्ट बोला? हैंडीक्राफ्ट तो वो बंदा होता है जिसके हाथ ना हो, पैर ना हो। क्या वो बंदा हैंडीक्राफ्ट था? नहीं था ना, लेकिन मैंने बोला कुछ और, आप समझ गए कुछ और। तो उसी चीज को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम एक्सप्लेनेशन निकालती है कि जिससे तुम लोग किसी चीज को गलत ना समझो, कि जिससे तुम किसी चीज को गलत ना समझो। इसके बाद लास्ट में आते हैं केस लॉ और डिसीजन। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अपने केस लॉ पर और डिसीजन भी करती है। जैसे कोई केस आया जो जीएसटी लॉ में जिसके लिए कोई रूल ही नहीं था, तो जो केस पास हुआ या जो बंदा केस जीत गया उसी को ही लॉ बना देते हैं। ऐसे बहुत सारे केस इनकम टैक्स में हैं, जब वहां पर कोई सोल्यूशन नहीं मिलता था तो उसी केस लॉ को यहाँ पर हम क्या मान लेते थे, वही सेक्शन मान लेते थे, उसी का ही डिसीजन हम सेक्शन मान लेते थे, या हम उसी का रेफर रहकर आगे काम करते थे। तो आप लोगों को भी जीएसटी पढ़ते वक्त इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। चाहे आप काम बिजी सॉफ्टवेयर पे करें या काम टैली पर करें, दोनों में इन बातों की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर आप इन चीजों को कर लोगे तो आपके टॉपिक खत्म हो जाएंगे। क्लियर? अब ये तो हमने बात करी इंडिया के टैक्स स्ट्रक्चर की, अब बात करते हैं व्हाई जीएसटी। जीएसटी क्यों लाया गया, इसका मेन पर्पस क्या था, तो अब सीखते हैं। सबसे पहले जीएसटी लाने का मेन पर्पस था, इंडिया में पहले बहुत सारे टैक्सेस चलते थे। अगर मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊं तो इंडिया में पहले बहुत टैक्स थे। सर्विस टैक्स था, परचेस टैक्स था, सेल टैक्स था, सेंट्रल सेल टैक्स था, लग्जरी टैक्स था, एडवर्टाइजमेंट टैक्स था,
एंट्री टैक्स था, सरचार्ज एंड सेस था, मतलब टोटल मिला के 17 से लेकर 18 टैक्स थे। साथ साथ इसमें कुछ हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी और कुछ हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट लेती थी। लोग बहुत परेशान हो गए, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करने लगे, गवर्नमेंट हम लोग परेशान हो गए, इतने टैक्स को मेंटेन नहीं कर सकते। मुझे भी जब मैं था उस समय तो मुझे भी दिक्कत होती थी, या तो मैं अपना सेल टैक्स इम्पोर्टेंट कर लूं, या मैं अपना सर्विस टैक्स अच्छा कर लूं, या मैं एक्साइज ड्यूटी अच्छा कर लूं, या मैं लग्जरी टैक्स अच्छा कर लूं, या मैं एंटरटेनमेंट टैक्स अच्छा कर लूं, मैं करूं तो करूं क्या। दूसरा, इनके डिपार्टमेंट अलग होते थे, तुम्हें सर्विस टैक्स जाना है तो तुम्हें बहुत दूर जाना है, तुम्हें सेल टैक्स जाना है तो तुम्हें अलग डिपार्टमेंट जाना है, और इसके बाद नोटिस, बहुत सारी इश्यूज थे। इसी बात को गवर्नमेंट ने भी डिसाइड करा और गवर्नमेंट ने कहा नहीं, हम जीएसटी लाएंगे जिसका नाम होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये फाइनली 1 जुलाई 2017 को एप्लीकेबल हो गया इंडिया में। और जब ये इंडिया में एप्लीकेबल हुआ तो उन 17 टैक्सों को गवर्नमेंट ने डिलीट कर दिया, जैसे सर्विस टैक्स, जैसे सेल टैक्स, जैसे सीएसटी, जैसे एक्साइज ड्यूटी, जैसे लग्जरी टैक्स, इन सभी टैक्सों को डिलीट करके एक टैक्स लाए जिसका नाम था जीएसटी, जिसे बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गवर्नमेंट ने कहा अब बहुत हो गया, अब हम सभी के लिए एक टैक्स बनाते हैं। और पता, इससे ज्यादा तो दुख इस बात का था कि ये जो मोबाइल है, अगर दिल्ली से खरीदोगे तो 5%, यूपी में खरीदोगे तो 12%, यही प्रोडक्ट अगर यूपी में खरीदते हो 12%, दिल्ली में खरीदते हो तो 18%, मतलब एक जगह एक जैसे प्रोडक्ट का टैक्स रेट नहीं होता था। और बहुत ज्यादा दिक्कतें होने लगी, लोग परेशान हो गए, लोगों ने कहा गवर्नमेंट कुछ करो, तो गवर्नमेंट ने कहा हम जीएसटी लाएंगे। और जीएसटी लाए तो इसका एक स्लोगन पास हुआ, वन टैक्स वन नेशन वन मार्केट, एक देश एक बाजार और एक टैक्स। अब क्या हुआ, जीएसटी लाने के बाद अगर तुम यही प्रोडक्ट दिल्ली से खरीदोगे तो भी 12%, यही प्रोडक्ट यूपी से खरीदोगे तो 12%, यही प्रोडक्ट मध्य प्रदेश से खरीदोगे तो 12% है, कोई रेट चेंज नहीं है। अब सिमिलरली बढ़ गई, जो पहले इश्यूज थे वो सारे इश्यूज खत्म हो गए, जो पहले इश्यूज थे वो सारे इश्यूज खत्म हो गए, जिससे लोगों को बहुत बेनिफिट मिला, जिससे लोगों को बहुत बेनिफिट मिला। इसलिए इसका नाम था वन टैक्स वन मार्केट और वन वन नेशन वन मार्केट और वन टैक्स। क्लियर। जीएसटी आने के बाद अब हमें बेसिकली चार लॉ पढ़ने हैं। कौन से लॉ पढ़ना है? जीएसटी में चार चीजें, एक है सीएसटी एक्ट, एक है सीएसटी एक्ट, एक है एसजीएसटी एक्ट, एक है आईजीएसटी एक्ट और एक है कंपनसेशन एक्ट। मतलब जीएसटी में टोटल मिलाकर हमें चार एक्ट पढ़ने, जिसमें पहला है सीजीएसटी एक्ट, दूसरा है आईजीएसटी एक्ट, तीसरा है एसजीएसटी एक्ट और चौथा है कंपनसेशन एक्ट। क्लियर। अगर हम चाहें तो इसे पांच एक्ट का नाम दे सकते हैं, कैसे? सीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एक्ट, कंपनसेशन एक्ट और आईजीएसटी एक्ट। टोटल मिलाकर हमारे पास पांच एक्ट हैं। कितने एक्ट हैं? पांच एक्ट हैं। ठीक है, कितने एक्ट हो गए? पांच एक्ट हो गए। क्लियर है। अब सर ये सीजीएसटी एक्ट और एसजीएसटी एक्ट कब लगेगा, आईजीएसटी कब लगेगा, आइए इसको एक बार समझ लेते हैं। मैंने यहां से आप लोगों के साथ एक्सेल को ओपन करा, ये मेरा एक्सेल ओपन हो गया। मैंने यहां पर टॉप पर लिखा जीएसटी, मैंने यहां लिखा जीएसटी, जीएसटी लिखने के बाद जीएसटी लिखा, इसको सिलेक्ट करा और थोड़ा सा बड़ा कर दिया। जीएसटी में मैंने दो बाटों में बांट दिया, मैंने इसे इसे अलग करा और मैंने इसे अलग कर दिया, ये अलग हो गया। इसके बाद मैंने इसको नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया स्टेट टैक्स, इसे बोल दिया स्टेट और इसे बोल दिया मैंने सेंट्रल।
आपको पता होगा इंडिया में कितनी तरह की गवर्नमेंट है, मैं अगर आपसे पूछूं तो, ठीक है, सेंटर, ठीक है सेंट्रल, ठीक है गवर्नमेंट, दो गवर्नमेंट है हमारे पास, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक है स्टेट गवर्नमेंट। आपको पता होगा दो गवर्नमेंट है। पहले लोग लड़ाई करते थे इस बात पर कि अगर माल दिल्ली से जाएगा तो दिल्ली गवर्नमेंट को मिले और माल अगर यूपी से जाए तो यूपी गवर्नमेंट के मिले। लोग लड़ते थे आपस में क्योंकि वहां अलग-अलग थी। लोग लड़ाई करते थे टैक्स के नाम पर, स्टेट गवर्नमेंट कहती थी टैक्स मैं लूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती थी मैं टैक्स लूंगा। लेकिन गवर्नमेंट ने जीएसटी में ऐसा नहीं करा। गवर्नमेंट ने कहा जीएसटी में हम लोग भाई भाई हैं, हम लोग भाई भाई हैं, हम आपस में लड़ाई नहीं करेंगे, तुम्हारा कोई मतलब नहीं बनता कि तुम कुछ भी करो। गवर्नमेंट ने कहा अगर तुम सेम स्टेट में माल बेचते हो, अगर तुम सेम स्टेट में माल बेचते हो तो उसे हम बोलेंगे इंट्रा स्टेट सेल परचेज। उसे हम क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट सेल परचेज, ठीक है। क्या नाम दे दिया उसे? उसे बोला इंट्रा स्टेट सेल परचेज, ठीक है, उसे ये नाम दे दिया। और साथ साथ अगर तुम दिल्ली से दूसरे स्टेट में माल बेचोगे, जैसे दिल्ली की पार्टी यूपी माल बेचे, दिल्ली की पार्टी मद्रास माल बेचे, दिल्ली की पार्टी असम माल बेचे, तो उसे बोलते हैं इंटर स्टेट सेल सेल और परचेज। हमने बोल दिया इंटर स्टेट सेल परचेज। जब इसकी बात होगी तो यहां लगेगा CGST प्लस SGST, और अगर दिल्ली से बाहर की बात करें तो क्या लगेगा? IGST। IGST का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। मैंने इसे यहां पर ओके कर दिया, ये हो गया, इतना समझ आ गया। इसके बाद इतना हो जाने के बाद अगला स्टेप आता है, जब जब दिल्ली से दिल्ली माल जाएगा तो CGST प्लस SGST लगेगा, और जितना भी टैक्स रेट होगा, मान लो टैक्स रेट 18% है तो 9% CGST में जाएगा और 9% SGST में जाएगा। ये बात आपको याद रखना। लेकिन अगर यही बात अपोजिट करें हम लोग, अगर टैक्स रेट IGST में 18% है तो टोटल किसको चला जाएगा? IGST को 18% चला जाएगा। इसका मतलब अगर दिल्ली की पार्टी दिल्ली माल बेचे, या मैं से दूसरे लफ्ज में बोल सकता हूं, अगर तुम विद इन स्टेट सेल परचेज करते हो, ठीक है, और इसमें बोल दूं अगर तुम अदर स्टेट सेल परचेज करते हो, अदर स्टेट सेल परचेज, तो अगर तुम अपने स्टेट से अपने स्टेट माल बेचोगे तो CGST प्लस SGST लगेगा। लेकिन अगर आप लोग दिल्ली से किसी और राज्यों में माल बेचोगे तो IGST लगेगा। क्या लगेगा? IGST लगेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? इतना समझ आ गया तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? हाँ सर, अभी हम समझ गए कि जीएसटी को गवर्नमेंट ने दो कैटेगरी में बांटा है, एक स्टेट वाइज और दूसरा सेंट्रल स्टेट वाइज, मतलब स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट वाइज। क्लियर? अगर आप इसे विद इन स्टेट माल बेचोगे तो इसे बोलते हैं इंट्रा स्टेट सेल परचेज, और उसमें जो टैक्स लगेगा वो CGST प्लस SGST लगेगा। लेकिन अगर तुम अदर स्टेट माल बेचोगे तो उस समय IGST लगेगा, वो भी 18%। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, CGST की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST की फुल फॉर्म होती है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और IGST की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर है? इतना समझ आ गया तो आज के लिए इतना ही। बाकी आने वाली नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को UGST भी बताएंगे, UTGST। सर अभी बता दो UTGST क्या होता है? UTGST होता है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जैसा कि आप जानते हो
इंडिया में नो यूनियन टेरिटरी, पहले सात थी लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद अब नो यूनियन टेरिटरी है, जिसमें दिल्ली, पांडुचेरी, चंडीगढ़ हो गया, दमन दू, लक्षद्वीप, ये सब। ठीक है, यूटीजीएसटी की फुल फॉर्म होती है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हमने कहा हमारे नो यूनियन टेरिटरी है, कितनी है? नो यूनियन टेरिटरी। अगर वो यूनियन टेरिटरी अपनी ही यूनियन टेरिटरी में माल बेचेंगे तो लगेगा सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी। क्लियर है? तो मतलब अगर मैं नो जो यूनियन टेरिटरी बताई है उनमें से दो को हटा दो, दिल्ली और पांडुचेरी, अगर उसके बाद जितनी भी यूनियन टेरिटरी बचती हैं अगर वो पार्टी अपने स्टेट में माल बेचेगी तो यूटी जीएसटी लगेगा, क्योंकि उन्हें स्टेट नहीं बोलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। उनका कोई स्टेट का दर्जा नहीं मिला, जिसको स्टेट का दर्जा नहीं मिला वो तो टैक्स से बच सकता था, तो गवर्नमेंट ने कहा अगर आप यूनियन टेरिटरी के अंदर आते हो तो आप सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी की जगह आप यूटी जीएसटी चार्ज करेंगे। आप क्या चार्ज करेंगे? यूटी जीएसटी चार्ज करेंगे। क्लियर है? तो आज हमने अपना पहला सेक्शन खत्म कर लिया जीएसटी का। इसके बाद हम आपके साथ एक नया सेशन लेके आएंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम जीएसटी के और बेनिफिट सीखेंगे और साथ साथ हम आपको स्टेट भी सिखाएंगे और बहुत सारी चीजें अपनी आने वाली नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।